प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। जैन धर्माचे 24वे तीर्थंकर आणि जगाला प्रेम, दया आणि अहिंसेची शिकवण देणाऱ्या भगवान महावीरांची आज जयंती आहे। चैत्र शुद्ध त्रयोदशी हा जन्मदिवस महावीर जयंती म्हणून साजरा केला जातो। कोरोनामुळे राज्य सरकारने उत्सव, रॅल्या, सभा, जयंत्या या सार्वजनिक ठिकाणी साजरी करण्यावर निर्बंध लावले आहेत। जगाला अहिंसेची शिकवण देणारे भगवान महावीर यांची जयंती जळगाव शहरात कावडिया परिवाराने आपल्या राहत्या घरात साध्या पद्धतीने पण उत्साह भरपूर अशी जयंती साजरा केली। पूर्वी जळगाव शहरात महावीर जयंतीला शोभायात्रा निघते, त्याचप्रमाणे घराच्या कंपाऊंड मध्ये तशीच पण खेळण्याच्या स्वरूपात म्हणजेच बैलगाडी, त्यावर काही विराजमान नागरिक, हत्ती, घोडा, सायकल, मोटार कार, त्यांच्यावर विराजमान श्री महावीर भगवान यांची प्रतिमा आणि सोबतच भगवान महावीरांची जय जयकार करणारे घोषणा अशा भक्तिमय वातावरणात शोभायात्रेत सुरुवात करण्यात आली। नंतर काही वेळाने घरातच भगवान महावीरांचा जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला। कावडिया परिवाराने महावीर जयंती साजरी करतात आपल्या घरातच राहून कोरोनाचे सगळे नियमांचे पालन केले। कावडिया परिवाराने अनेक वेळा वेगवेगळ्या स्पर्धा, नाटकांमध्ये भाग घेतला असून घरातूनच सर्व उत्सव साजरे केले आहे व स्पर्धाही जिंकल्या आहेत। भगवान महावीर जयंती साजरी करताना परिवारातील सदस्यांना यातून ऊर्जा मिळते व जगावर आलेल्या कोरोना संकटाची लढण्याची ताकद मिळते। लवकरच कोरोना महामारी भारतासह जगातून नाहीशी हो आणि पुन्हा नव्या उमेद आणि आनंदात सर्व काही साजरी हो। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया आपतक न्यूज मराठी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अरहम कल्याण मित्र की ओर से हमें यह मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर के समकित प्राप्ति के बाद 27 भव में से यह 16वां भव विश्वभूति युवराज का। भरत क्षेत्र के राजगृह नगर में राजा विश्व नंदी और रानी प्रियोंगी का विशाख नंदी नाम का पुत्र था। विश्व नंदी राजा के छोटे भाई राजा विशाखभूति और उनकी रानी धारिणी को विश्वभूति नाम का पुत्र हुआ। वह सभी कलाओं में निपुण था। यौवन अवस्था में आने के बाद उसका अनेक कुमारियों से पाणी ग्रहण हुआ। राजकुमार विश्वभूति उस नगर के पुष्प करंडक नाम के उद्यान में अपने रानियों के साथ सुख में लीन रहने लगे। यह देख राजकुमार विशाख नंदी के मन में भी उसी उद्यान में अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। यह बात उन्होंने अपनी माता को बताने पर उनकी माता के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और वह राजा विश्वनंदी से कहने लगी, महाराजा दिराज एवं राज महिषी का पाठवी पुत्र साधारण ढंग से रहे और छोटे भाई का लड़का सुख भोग करे, यह कहाँ का अन्याय है। राजा ने रानी को समझाया, प्रिय कुछ दिन विश्वभूति उद्यान में रह लेगा, फिर वो महल लौट जाएगा, तब विशाख नंदी उद्यान में चला जाएगा। छोटी सी बात पर कलह करना उचित नहीं है। किंतु रानी को संतोष नहीं हुआ और महाराज रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए षड्यंत्र रचकर विश्वभूति को युद्ध भूमि पर भेज देते हैं। जब विश्वभूति को पता चलता है कि उन्हें उद्यान से हटाने के लिए यह चाल चली गई है तो वे क्रोधित होकर उद्यान पहुंचते हैं। हाँ, पहरेदार उन्हें रोकते हैं, रुक जाओ, यहाँ विश्वनंदी अपनी रानियों के साथ है, आपका उद्यान में जाना उचित नहीं होगा। वे पास के पेड़ को क्रोध में आकर मुक्का मारते हैं, पेड़ के सभी फल टूट कर गिर पड़ते और पृथ्वी पर ढेर लग जाता है। विश्वभूति पहरेदार से कहते हैं, धिकार है इस भोग लालसा को जिसके कारण ठगाई होती है और पिता पुत्र भाई भाई में छल कपट होता है। मुझे ऐसी पापों की खान काम भोग को लात मारकर निकल जाना चाहिए। वहां से निकलकर विश्वभूति ने संभूति नाम के मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। यह खबर जब विश्वनंदी को पता चलती है तो वे अपने परिवार के साथ विश्वभूति मुनि के पास पहुंचते हैं और उन्हें दीक्षा छोड़कर घर चलने के लिए मनाते हैं। विश्वभूति मना कर देते हैं और कहते हैं, अब मैं संसार के बंधनों को तोड़ चुका हूँ, मैं फिर संसार में लौटकर नहीं आऊँगा, ये मेरे लिए आनंद का मार्ग है। मैं तो अब विशुद्ध संयम और उत्कृष्ट तप की आराधना करूँगा, यह मेरे लिए परम श्रेयकारी है। मुनिराज का दृढ़ निश्चय देखकर परिवार के लोग हताश होकर लौट जाते हैं।
मुनिराज ज्ञाना अभ्यास के साथ तपस्या करते और गुरु आज्ञा लेकर एकल विहार प्रतिमा धारण करते हुए मथुरा नगरी आते हैं। उस समय राजा विशाख नंदी बारात लेकर मथुरा आए। मुनिराज मांस खमंड के पारने के लिए नगर में विचरण कर रहे हैं। उसी समय मुनिश्री के पास से एक गाय निकली। गाय के धक्के से मुनिराज गिर पड़े। उनके गिरते ही विशाख नंदी हंसे और व्यंग पूर्वक बोले, वृक्ष को मुक्का मारकर फल गिराने वाले महाबली, कहाँ गया तेरा वह बल जो गाय की मामूली टक्कर भी सहन नहीं कर सका, वहाँ रे महाबली। यह व्यंग मुनिश्री सहन नहीं कर पाए। उनका क्रोध भड़का और उन्होंने उसी समय गाय के दोनों सिंग पकड़कर चारों ओर घुमा के उसे पटक दिया। इसके बाद में वे मन में विचार करने लगे कि यह विशाख नंदी कितना दुष्ट है, मैं मुनि हो गया फिर भी मुझसे द्वेष और शत्रुभाव रखता है। इस प्रकार कषाय भाव में रमते हुए उन्होंने निदान किया कि मेरे तप के प्रभाव से आगामी भाव में महान पराक्रमी बनूं। इस प्रकार निदान करके और उसकी शुद्धि किए बिना ही काल करके वे महाशुक्र नाम के सातवें देवलोक में महान प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट स्थिति वाले देव बने। शब्द संभल कर बोली, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औषध करे, शब्द करे एक घाव रे। इसीलिए भगवान महावीर ने क्षमा का मार्ग बताया है। जय जिनेन, जय महावीर। त्रिशला नंदन वीर की जय। बोलो महावीर की जय। जिनेन्द्र जय। जिनेन्द्र राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 1008 आनंद ऋषिजी महाराज साहब की 29वीं पुण्यतिथि निमित्त आज हम आनंद चालीसा का वाचन कर रहे हैं। जलगांव से कावड़िया परिवार। आनंद चालीसा वाचन करने का यह सहयोग हमें आनंद रूप ने दिया है। कोरोना की वजह से हम और ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर घर में आनंद चालीसा का पठन कर सकते हैं। सभी को सादर जय। जिनेन्द्र छाई जलेगा में खुशियाँ आनंद रे नाम री, छाई जलेगा में खुशियाँ आनंद रे नाम री, आवा पुण्य जयंती मनावा सारा ही साथ जी, आवा पुण्य जयंती मनावा सारा ही साथ जी। देवी चंद जी महाराष्ट्र के चिंचोड़ी को थाम।
कर्म क्लेश को दूर करन हित पाच महाव्रत किए स्वीकार गुरुवर की आज्ञा पालन पाठान किया था दृढ़ निर्धार विनय विवेक के बालक गुरुवर परम हंस सम हो तैयार तब उतनिष्ठ निरंजन बने मुक्ति के स्वयं ही द्वार शास्त्र विशारद आगम ज्ञाता संस्कृत प्राकृत ज्ञान महा संदर्भों को सहज बताते दिया हुआ क्या और कहा उर्दू हिंदी महाराष्ट्रियन भाषाओं पर प्रभुत्व था अभंग कविता शेरों का खूब किया संग्रह भी था मृदु भाषी द्रवित शब्दों के गुरुवर शुभ व्यवहारी थे योगी रागी गुण अनुरागी वाचस्पति गुरु भारी थे ज्ञान आराधक रहे सदा नित करवाते अभ्यास महा पाठ सीखना शुद्ध प्रेरणा आग्रह ऐसा सतत रहा अक्षर अक्षर में तन्मयता सहज ज्ञान के साधक थे आगम वाचन की रुचि ज्ञानी जिन शासन आराधक थे अंतर बाह्य श्रीमद गुरुवर तेज चमकता सूर्य समान लाली मुख मंडल की रख कर भक्त भूल जाते थे मान चरण कमल में शुभ लक्षण थे हस्त कमल मखमल से थे स्थिर आसन में माहिर थे और नमन वचन अभिचल थे वर्तमान में जीने का ही गुरुवर का दिन ग्रंथ था शांत दांत संयमी प्रभु का आचर्य विक्रम था प्रभु वजन था दाल सूर में छंद व्याकरण सहित सदा ह्रस्व दीर्घ आई हुए गुरुवर से ना हुई कदा ईर्ष्या समिति बालक गुरुवर समर समर कर चलते थे भाषा समिति का विवेक था वचन सुयोग निकलते थे अधीन वृत्ति रही हमेशा परिचयों में दिए नहीं स्वाभिमान से भिक्षुक चर्या प्रण था उनका अटल यही वस्तु विवेक स्वयं के खातिर रखा आपने जीवन भर स्वावलंबी पुरुषार्थी बन कर करी त्याग की सदा कदर ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चय शक्तिहारी लेश मात्र भी हुए न विचलित थे वे बाल ब्रह्मचारी चरण कमल में मित्र जहाँ हो गए लक्ष्मी वहाँ पर बड़ी चढ़ी अष्टसिद्धियाँ गुरु चरणों में विनीत भाव से रही पड़ी देव वंदना करने आते मांगल सुनाते अर्ध रात्रि में जागृत हो गुरु मांगलिक फरमाते थे घने अंधेरे में पैरों की आहट सुन पहचान कहे चमत्कार की प्रसिद्धि से गुरुवर जीवन में अधिक रहे मात्र समस्या कोई न कहता कुल करके गुरुवर के पास वही समस्या मिट जाती थी लब्धि थी गुरुवर की खास तीर्थंकर के नाम की माला जाप रूप में देते थे सहज भाव से भक्त गणों की व्याधि को हर लेते थे अमी झरना आंखों से झरना पैर कोई जो आ जाता देख दिव्यता गुरुवर की वह भक्त
गुरुवर धीर सीर गंभीर रहे, शासक कुशल रहे, जीवन भर एक सूर में सबही कहे। अहमदनगर प्रतिष्ठा पाया दादा गुरु की स्मृति वहाँ, तिलोक शिवर का संतारा समाधि पूर्वक हुआ जहाँ। दादा गुरु और रत्न गुरु का भक्ति से शुभ नाम दिया, ज्ञान पीठ का सपना अपना गुरुवर ने साकार किया। भारत भर में कीर्ति आपकी हृदय सिंहासन पर है आप, स्मरे आपको जो श्रद्धा से धुल जाते हैं उसके पाप। ओम श्री आनंद गुरुवे नमः, आप जो कोई करे करे मन में चित हो सारी बातें सारे संकट दूर हरे। समाधि से जो ध्यान करे तो अनुभव अंतर में उतरे, क्रोध मान माया कम होवे लोभ विजय से जीव तरे। बोधि गुण के दाता गुरुवर श्वेतांबर सानक वासी, सिखलाया जीवन भर सबको पा जाओ पद अविनाशी। करती है फरियाद लड़ती कई हो तप 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 कर, तब मुश्किल से जन्म लेते आनंद गुरुवर समर शिवर। महाराष्ट्र के पूज्य प्रवर्तक कुंदन ऋषिवर का फरमान, सारी प्रीति सुधाया अपने पूज्य गुरुवर का गुणगान। चालीसा आनंद गुरु बड़ा पठन करेगा जो प्रतिदिन, जीवन उसका सफल बनेगा पाएगा आशीष निश दिन, पाएगा आशीष निश दिन, पाएगा आशीष निश दिन। परम पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब की।